हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और यहां पर जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारी एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन इस बार एंट्री जो थी ना वो होनी थी दूसरे तरीके से। तो वापस जो इवेंट प्लानर थे वो बोले कि सर अभी आपकी एंट्री तो हुई नहीं है ठीक से, आप लोग वापस जाओ और दोबारा से री एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर री एंट्री हुई थी जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ डांस शोज़ वगैरह थे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बाहर भी डांस शोज़ अगर अलग चल रहे थे, डबल डबल डीजे चल रहा था, एक डीजे इधर एक डीजे उधर। तो सारी तैयारी जो थी ना वो एकदम, आपको अमित भाई अपने ब्लॉग में बता देंगे कैसा था। तो अमित भाई भी बैठे हुए हैं, रात के बज रहे हैं 2 जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो बेहद एक खुशनुमा माहौल, एक संगीत से गूंजता हुआ सारा चारों तरफ का एक खुशनुमा पल बहुत खास था। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और ये जो डांस शो था ना, जो एंट्री थी, ये एक अपने आप में एक लाजवाब एंट्री थी। तो बेहद खूबसूरत सा पल था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस पल को हम लोग अपने कैमरे में कैद करें। और हर कोई अपने कैमरे में इसको कैद कर रहा था। नींद भी आ रही है, अभी तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय करते करते फाइनली एंट्री भी कर रहे थे। तो एंट्री बेहद खास थी। और ये जो गाना था ना, आप लोगों को थोड़ा गाना सुना ही देता हूँ। पापा ने कब किया था मेरे को पता ही नहीं लगा। और ये जो डांस कर रही थी लेडीज़, ये लोग एक अलग माहौल सा बना दिए थे। इतना बेहतरीन स्वागत हुआ था, जो दूल्हा और दुल्हन जो थे उनकी एंट्री एकदम बेहद खूबसूरत थी। सिक्योरिटी और बाउंसर्स थे तो थोड़ा सा और अरेंज कर दिया था। और सबसे अच्छी बात ये थी ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हुए थे ऑलमोस्ट। पहले तो हमारे लगभग, मेरे को ये लगता है कि 500 प्लस सब्सक्राइबर्स थे, और बाकी 1500-2000 के आसपास हमारे अपने लोग थे जो आते जाते रहे, रिश्तेदार मिलते रहे। इतना है कि अभी घर में भी अभी तक मेरे को लग रहा है कि 100 के आसपास लोग अभी सोए हुए होंगे। तो अब यहाँ पर जो ये था ना, ये हम लोग का एक तरह से लास्ट सेरेमनी था। और कितना एंजॉय किया हमने, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण। ये अपने आप में ही, मतलब हमारे अंतरात्मा जानती है कि हम लोगों ने किस तरीके से किया। हालांकि ये फंक्शन और भी खुशनुमा हो सकता था जब सब लोग और भी होते और हमारे अपने चाहने वाले लोग होते और हमारे साथी होते साथ, लेकिन टाइम के अभाव में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे इवेंट्स अभी एक अम्बाला में भी होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को अम्बाला वाला इवेंट भी देखने को मिलेगा, और उसका भी मैं डेट वगैरह सब अनाउंस करूँगा। उसमें मैं सब्सक्राइबर्स का तो नहीं हूँ श्योर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है मेरे को कि मेरे बहुत सारे आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले क्रिएटर्स भी होंगे, और कुछ सब्सक्राइबर्स को मैं कोशिश करूँगा बुलाने के लिए एक अलग तरीके से। तो यहाँ पर हॉल में हो रही थी शानदार एंट्री, शानदार जानदार दमादार एंट्री हो रही थी। और यहाँ पे एकदम कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों एक साथ। तो बहुत ही प्यारा सा माहौल बना हुआ था, और सब लोग बेहद प्यार से एकदम हंसते खेलते गाते गाते अंदर पहुँच रहे थे। तो बहुत सुंदर सा माहौल लग रहा था। और ये जो मतलब डांस था ना, ये अपने आप में एक बेहद अद्भुत था। हर चीज़ से लैश आप लोगों को एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है। तो इस ब्लॉग को आप लोग पूरे लास्ट तक एंजॉय करना, एंड आई एम डेड श्योर कि यू आर गोना एंजॉय टू द फुलेस्ट। एंड इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा नेचुरल, गाना चूंकि बज रहा है ना इसलिए कॉपीराइट इश्यूज वगैरह आते हैं, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं भी पीछे से अपना रेडी हो गया था। जो ड्रेस का कॉम्बो था ना, अगेन नेहा दीदी का चॉइस था, मेरा और मनीषा का सेम ऐसे ऐसे ड्रेसेस रहेगा, तो बहुत बेहतरीन लगा था। अभी तो मेरे को सर्दी हो गया, तो अभी वॉइस ओवर मैं ठीक दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग से मुझे तो है कि भाई वॉइस ओवर भी मैं कैसे दूंगा नहीं दूंगा, जो भी है अब आप लोग अपना एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, चलिए अब आगे आप लोग ब्लॉग को अपना एंजॉय कीजिए, और बहुत खूबसूरत पल को हमारे साथ शेयर कीजिए।
चलो फाइनली एंट्री होने के बाद सभी लोग स्टेज पे चले गए और स्टेज पे जाने के बाद आपको पता ही है कि रिसेप्शन सेरेमनी है तो पार्टी वगैरह के होती रहती है। एक तरफ पार्टी ओपन लॉन में चल रही थी, लोग बहुत सारे थे और एक तरफ अंदर सभी लोग फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा रहे थे और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जो सब लोग एकदम बहुत ज़्यादा प्यार दिए। बाउंसर्स को मैंने बोल रखा था कि लिमिटेड लोगों को स्टेज पे जाने दे, एक एक करके सब लोग जाएंगे तो सभी को मौका मिलेगा, नहीं तो सभी एकदम से इकट्ठा भीड़ लगा दे रहे थे। तो थोड़ा अच्छे से अरेंजमेंट हो गया था। ऑल थैंक्स टू रॉयल बाउंसर्स गोपालगंज, जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन मेहनत किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मैं उन लोगों का नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा जो इधर बिहार साइड से है ना, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
जिनको बाउंसर्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो लोग आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी कर देंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी स्टेज पे सब लोग पैर, मैं बोला कि यार चलो बिठा दो एक बार, और सब लोग एक एक करके आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले पापा और मम्मी गए, और उसके बाद से जो भी एक एक करके जा रहे थे सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। तो यहाँ पे पापा मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे प्रिंस और रंजना दोनों। और उसके बाद से फिर अपना आगे का जो कार्यक्रम था वो आप लोगों को दिखेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा बेसिकली कि हमने दोनों को क्या गिफ्ट दिया। और यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में वो चीज़ दिख ही जाएगा। और आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हो ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड नेक्स्ट व्लॉग का प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कीजिए थोड़ा देर, और उसके बाद से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Again guys, thank you so much. Thanks a lot for watching this vlog. Bye bye. Love you all. See you in the next video. Bye bye. Jai Hind.